दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक है वैसे। और मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो आजकल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही है। और दो दिन कल तो ठीक था, कल तो इसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ना बुखार आया ना कुछ आया, लेकिन रात से इसको इतनी तेज खांसी हो रही है, बहुत तेज खांसी हो रही है। तो अब खांसी की दवाई भी ले आए हो, खांसी दवाई मैंने दे दी है अभी इसको। तो बुखार तो फिर थोड़ा सा बुखार भी आ रहा था सुबह, फिर बुखार दवाई दे दी, अभी तो नहीं है। तो पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये पता नहीं ठीक क्यों नहीं हो रहा है। वैसे कल तो ठीक था, लेकिन दोबारा दोबारा बुखार क्यों आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। वो खांसी भी हो रही है ना, खांसी हो रही है ना। तो अभी मैंने इसको अभी नहलाया नहीं है, आज कल मैंने इसको नहलाया था दो दिन बाद, क्योंकि इसको बहुत तेज बुखार आ रहा था, तो मुझे सही लगा नहलाना, क्योंकि इस लड़के को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैंने अभी भी मैंने इसको ऐसे गर्म पानी से साफ कर दिया है, और मैंने अभी इसको ऐसे कपड़े बना दिए हैं, क्योंकि उसको अभी हल्का हल्का बुखार भी है और खांसी तो बहुत तेज हो रही है, छाती ऐसी जमी पड़ी है बिल्कुल। तो अब मैं इसको यहाँ पे दूंगी भाप, है ना। तो इसकी इलाज यही है कि इसको सर्दी भी लग जाती है बहुत जल्दी, और क्या करे सौ रात कम मैं दिमाग पागल कर देना ने। और मैंने इसके लिए गर्म पानी उबाला हुआ पानी रखा हुआ, लेकिन ये लड़का क्या करता है, ये फिर भी पानी पीता ही होगा चुपके चुपके जाके, पता नहीं इसका पता नहीं चलता मुझे ये पानी कहाँ कहाँ पीता है। सॉरी, तो इसको दे दो थोड़ी यहाँ पे भाप, थोड़ा आराम मिलता है। कल तो कह रहा पैर में दर्द हो रहा, कल इसके बुखार से पैर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कल भी नहीं भेजा। और आज तो इसको खांसी बहुत तेज खांसी हो रही सुबह सुबह, तो और इसने जैसे दूध पिया सब उल्टी कर दी है, और इसलिए मैंने इसको आज भी स्कूल नहीं भेजा है। और उल्टी कर रहा था और फिर बुखार भी आ रहा था, तो आज भी छुट्टी हो गई है। तो बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, स्कूल जाना है ना, है ना, है ना, ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी, है ना। दवाई तुम खाते नहीं हो, दवाई खाने ले इस लड़के के नखरे बहुत है, दवाई जैसी खा रहा है उसको उल्टी कर दे रहा, तो ठीक कहाँ से होएगा। और दवाई खाने की उसको बहुत एलर्जी है। तो बस अब मैं थोड़ी देर दुकान में जाऊंगी, और आज मेरा काम भी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि आज हमारा पानी नहीं आया है, तो आज मैंने कपड़े वपड़े कुछ नहीं धोए हैं अभी, और जब पानी आएगा तो मैं कपड़े तब धोऊंगी। तो फिलहाल तो झाड़ू पोछा धो ही गया है और खाना। मैं अभी दुकान में आई हूँ, और ये कह रहा मुझे सुला दे, तो मैं इसको कैसे सुलाऊं अभी, पापा कहीं गए ना अभी काम से, तो इसको आ रही नींद अब सोएगी। ठीक, आज यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं दुकान की सफाई। क्या कर रहे हो आप? अखबार उठाने पड़े हैं ना। हाँ, तो ये कह तू ना यहाँ, ये देखो आज ने कितना कबाड़ निकाल दिया है, और ये अखबार ऐसे फैला रखे थे, तो ये इनको सही कर रहे हैं ना।
करो करो। ये देखो गाइस, आज मेरे हस्बैंड बेचारे कितना काम कर रहे सुबह से, है ना। कभी कुछ क्या लगा रहे हो? उसका पैकेट। कितना काम करते हो तुम कभी कभी? वो कभी कभी मैं केबल लाती हूँ आगे ना, काम दिखाऊंगा ना मैं तुम्हारा, करते तो बहुत सच में बहुत काम करते हैं। पसीने में पूरी घी लिया बनियान। हाँ, काम बहुत करते हैं ये। बोरी लग बन रखी आज बदली हुई है, पता कब से पहन रखी है, इतनी मेहनती हस्बैंड है मेरे। दुकान में वही तो सारा दिन यूँ निकल जाता है ना, काम करते करते जिंदगी को। तो हेलो गाइस, अब मैं आपसे मिल रही हूँ। सीधा शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था, ये उठ गया खड़ा और इसने मुझे सोने नहीं दिया आज, और इसको दोबारा बुखार आने लग गया है। ये देखो जुकाम भी लग गया है और खांस खांस के तो बुरे हाल हो रहे हैं। खांसी हो रही है आपको? और मुझे मार दिया था। नहीं, मैं मर गई। मजाक कर रहा था तू तो दोस्त भी मजाक करता था। नहीं मरी मैं जिंदा हूँ। तो अब ये कह रहा है चाय बनाओ, तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय पिएगा। तो इसके लिए बनाती हूँ मैं काली मिर्च अदरक और इलायची उलायची चाय बनाती हूँ इसके लिए थोड़ा सा, और तब इसको पिलाती हूँ, है ना। कौन चाय बनाओ आपके लिए? काली वाली चाय। इसके लिए काली चाय बनाती हूँ, काली चाय है ना, काढ़ा ना, बिना दूध की चाय बनाऊंगी इसके लिए मैं, काढ़ा दूध बनाओ। फिर खांसी हो जाएगी आपको। वही बात वही बना रही। अच्छा क्या देख रही हो? ओ बिल्ली बिल्ली। हेलो गाइस, कैसे हो? क्या खा रहे हो? ये देखो गाइस, यहाँ पे भूख लग गई है। और ये क्या खा रहे हैं? कच्चा बनाना। कच्चू भी कच्चे कच्चू कच्चू भी खा रहे थे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे खड़ा एक बंदर बंदर को आपने देखा होगा आज तक, केले कैसे खाते हैं बंदर, तो मैं दिखाती हूँ आपको लाइव। दूध वाले खांसी वैसी हो रही है। बदतमीज निकल पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, इतना पता नहीं क्या होगा मेरे ऊपर, कीड़े ने काटे क्या काटे। दोस्तों हमने खाना पीना सब बना लिया है, पर खाए नहीं अभी, और टाइम हो रहा है 9 बज के हैं और खाना पीना तो बन ही गया है। तो आज क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, मैं सुबह से पानी नहीं आया था, और लेकिन पानी अब आ रहा है। तो मैंने सुबह से कपड़े भिगो रखे बाल्टी में, तो मैं उनको धोऊंगी पहले अभी, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं पानी आता है कि नहीं आता है। तो आजकल थोड़ा पानी की शॉर्टेज चल रही है, वैसे पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल पानी की शॉर्टेज चल रही है, तो मुझे कपड़े अभी धोने पड़ेंगे। तो फटाफट कपड़े धोती हूँ। तो फल दोस्तों मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और मैंने पानी भर करके साफ लटा दिया है, और अब सुबह पानी आए या ना आए कोई टेंशन नहीं। तो कपड़े तो मैंने धो ही दिए, मेरे कपड़े में धोकर रख दिया भैया, अभी मैं जाऊंगी ऊपर। ची 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 मैं मर गई। नहीं मैं मर गई, अब तो मैं सच में मर गई। मम्मी नहीं मैं मर गई, आई मैं मर गई नहीं, मैं बजाता अल्लाह था मम्मी। मजाक कर रहे थे तुम मम्मा को, ऐसे मार के मजाक कर रहे थे तुम, है। तो यहाँ पे करी मैं आज मेरे बेटे ने हलवा खाने की डिमांड, तो मैंने बनाया इसके लिए थोड़ा सा हलवा, और ये आप देख सकते हो कहाँ पे खा रहा है, वो भी दुकान है बिल्कुल डाइनिंग, इसने देखो डाइनिंग टेबल कैसे बना दी अपनी। तो यहाँ पे खा रही है हलवा, और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।